कसरावत नगर के शासकीय महाविद्यालय में सीटें बढ़ाने की मांग को लेकर शुक्रवार को छात्र संगठन एबीवीपी और एनएसयूआई के पदाधिकारियों और विद्यार्थियों ने नारेबाजी कर आंदोलन किया। दोनों संगठनों ने अलग अलग आंदोलन कर प्राचार्य से मांग रखी। दोनों संगठनों ने पूर्व में ज्ञापन देकर सीटें बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन कोई कार्यवाही न होने पर शुक्रवार को आंदोलन किया। एबीवीपी के संजोक वर्मा ने बताया कि कॉलेज में मात्र 150 सीटें हैं, इससे कई छात्र छात्राएं प्रवेश से वंचित रह जाते हैं। हमने सीट बढ़ाने की मांग की है। प्राचार्य जी एस चौहान ने बताया कि विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु आवेदनों की संख्या के बाद सीटें बढ़ाने के लिए उच्च स्तर पर मांग पत्र भेज रहे हैं। सीट बढ़ने की स्वीकृति आते ही प्रवेश दिया जाएगा। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। जो है क्या मांगे हैं, क्या महाविद्यालय में बहुत सारे छात्र प्रवेश से वंचित रह गए हैं। दोनों संगठन जो है चाहते हैं कि महाविद्यालय में सीटों की संख्या बढ़ा दी जाए, ताकि महाविद्यालय में क्षेत्र के रहने वाले सभी विद्यार्थियों को प्रवेश मिल सके और कोई भी छात्र वंचित नहीं रहे। तो सर, क्या उच्च शिक्षा विभाग से क्या आदेश आया? शासन के तरफ से आदेश ये है कि यदि महाविद्यालय में संसाधन उपलब्ध है और महाविद्यालय प्रशासन यदि चाहता है सीट बढ़वाना, तो शासन को एक पत्र लिखा जाए जिसके तहत शासन सीट वृद्धि का सीट वृद्धि की अनुमति दे देगी। इसलिए तत्काल हम पत्र शासन को भेज रहे हैं और सीट बढ़वा रहे हैं। लगभग कितनी सीटें बढ़ जाएगी सर? लगभग हम 150 सीट बढ़वाने का प्रयास कर रहे हैं। मौजूदा समय में कितनी सीटें हैं? मौजूदा समय में 150 सीट है और 150 सीट और बढ़वाने का प्रयास कर रहे हैं। इसकी अंतिम तारीख कब तक है पंजीयन की? पंजीयन की अंतिम तारीख 8 अक्टूबर है, लेकिन 10 अक्टूबर तक फीस भरी जाना है। आपका नाम सर? मेरा नाम डॉक्टर जी एस चौहान। किया जा रहा है अभी तो कॉलेज में 150 सीटें थी और पूरा विधानसभा कसरावत इस पे ही है, तो यहाँ पे बच्चे बहुत सारे अभी प्रवेश से वंचित रह गए हैं। कम से कम 500 बच्चे अभी बाकी रह गए और मात्र 150 सीटें। भवन बहुत बड़ा है, चाहे तो बहुत सारी सीटें यहाँ बढ़ सकती है, लेकिन अंधी गुंगी मेरी सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। 2 साल से ना बच्चों को छात्रवृत्ति मिली है, ना आवास भत्ता मिला है, सिर्फ उनको विधायक खरीदने में लगे हुए हैं, बाकी ना कुछ कर रही है ना कुछ कर रही है सरकार। और क्या क्या मांगे? क्या मांगे रखी आप लोगों? हमारी ये मांगे है कि स्टूडेंट को 3 साल से स्कॉलर भी नहीं मिल पा रही है, आवाज़ भत्ता भी नहीं मिल पा रहा है, और रही बातें कई छात्र वंचित है अभी विद्यार्थी, उनको आप एडमिशन दिलवाओ और हमारी मदद करो। छात्रों से भी हम यही आग्रह करते हैं कि आप भी हमारे साथ खड़े रहो, ताकि हम आपको प्रवेश दिला सके और आपकी बात को आगे रख सके। कितने विषय है अभी टोटल? सिर्फ मात्र यहाँ पे बीए, कम से कम हमने 3 बार शिक्षा मंत्री को ज्ञापन दे चुके हैं, यहाँ की बीएससी भी खोली जाए, बीकॉम भी खोला जाए, ना कुछ किया अभी तक 3 साल हो गए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कसरावत में आए थे, जबकि घोषणा करी थी कि हम एमएल आएंगे, पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया उन्होंने। कितने छात्र ऐसे हैं जो इस वर्ष जो है मतलब उसमें शामिल नहीं हो पाएंगे? करीबन 300 छात्र ऐसे रह जाएंगे जिनको प्रवेश नहीं मिल रहा, मात्र 150 सीटें और पूरी कसरावत विधानसभा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।